हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक रूट्स के हर सीक्रेट हेयर पैक को डिस्कस करेंगे। ये 9 प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिक्सचर है। वंस और ट्वाइस अ मंथ लगाने से आप तकरीबन तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स अपने बालों को फराहम कर देते हैं। इसमें हम रेसिपीज़ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं और उनके क्या फ़वाद हैं। अब इंग्रेडिएंट्स के बाद हम इसको बनाने की रेसिपी को समझते हैं। इसको आप सिंपली गर्म पानी से बनाएंगे और सोक करेंगे 1 घंटा, और सर पर 1 घंटे के लिए लगा के शैम्पू से वॉश कर लेंगे। या इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। ख़ास तौर पे ड्राई हेयर के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसमें कोकोआ बटर, शिया बटर और एलोवेरा जेल की ज़रूरत है। ये रेसिपी ना सिर्फ ड्राई बालों को एक नई लाइफ देती है, बल्कि कर्ली बालों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है और उनके कर्ल्स को डिफाइन करती है। सो ये हमारा हर सीक्रेट हेयर पैक है। इसको सिंपली हम बोल के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम बटर्स को मेल्ट करेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएं तो आप इसको ऐड कर दें पाउडर के अंदर। जी, तो हमारे दोनों बटर्स जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं और उसको हमने ऐड कर दिया है। अब हम एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसमें नीम गर्म पानी या गर्म पानी भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि तमाम एक्सट्रैक्ट जो हैं वो रिलीज़ हो सकें। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसका टूथपेस्ट कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। टूथपेस्ट कंसिस्टेंसी में अप्लाई करना इजी होता है और उसको रिंस ऑफ करना भी इजी होता है। सो इसको अब 1 घंटे के लिए हम रखेंगे और उसके बाद उसको सर पे लगा लेंगे और सिंपली शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर लेंगे। इसके अलावा हम एक और रेसिपी भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे, जो कि प्रोटीन ट्रीटमेंट के तौर पर बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें हमें अंडा, योगर्ट या आप मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हर सीक्रेट हेयर पैक हमें चाहिए होगा। सिंपली पाउडर को हम बोल के अंदर ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया योगर्ट और इसके बाद मैं अंडा इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, अगर आप अंडा और दही पहले से यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर या ऐड कर रहे हैं तो आप फिर गर्म पानी से अवॉइड करें अंडे के बाहर डालने से। इनकेस आप गर्म पानी से पहले ही पेस्ट उसका बना चुके हैं तो ये भी बहुत अच्छा। आप उसको 1 घंटे के लिए रखें और उसके बाद फिर अंडा और दही लगाने से पहले ऐड करें। अभी चूंकि मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए आप इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पानी लेंगे, गर्म पानी से फिर अवॉइड करें।
इसका उसी तरीके से हम पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी टूथपेस्ट की तरह रखेंगे। एक और चीज़ ऐड की जा सकती है इस पॉइंट पे, ऑयल। ये हम ऑर्गेनिक रूट्स का हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी जगह कोई भी ऑयल जो कि आपके बालों को सूट करता है आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम पेस्ट जो है उसको सर के ऊपर लगाएंगे। ये देखें पेस्ट रेडी है और इसको सर के ऊपर लगाया एंड देन उसके बाद हम इसको रिंस ऑफ करेंगे, शैम्पू एंड कंडीशनर कर लें और दैट्स इट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।